कल 21 फरवरी 2021 कल 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है डीसीपी कुशल बाबू सर के गाइडेंस पे। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कर्नाटका गवर्नमेंट जितने भी जॉब्स निकाली है पुलिस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जितने भी हैं उसके ताल्लुक से, तो ये लोगों को देखते हुए हमारे को सीखना है कि ये लोग एक कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल बने, उन्होंने एएसआई बने। कल तमाम गुलबर्गा शहरियानों के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कर्नाटका गवर्नमेंट जितने भी जॉब्स निकाली है पुलिस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जितने भी हैं उसके ताल्लुक से, कल यानी कि 21 फेब जब्बार फंक्शन हॉल को 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक एक कैंप रखा गया है जिसमें आप तमाम को यह बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको तमाम आने वाले एग्जाम्स को किस तरीके से क्रैक करना है, उनकी पॉलिसी किस तरीके से होती है, उनकी तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो इस पे अपनी बात रखने के लिए वहाँ पे होंगे अंशु कुमार सर और वाहिद कोतवाल एंड गजानन सर, फरकुद्दीन सर, मेघा ब्रादर, ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। मैं तमाम आने वालों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हो सके तो एक कापी एक पेन लेकर ज़रूर आएँ, वो जो भी बात आपको बता रहे हैं उसे नोट करें, हो सके तो अपने मोबाइल निकाल कर आप वीडियो बना लें ताकि आप जब भी घर जाएं अगर कुछ भूल जाएं तो फिर उसको दोबारा से देखकर आप सीख सकें। देखिए इल्म जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए बेहतर है। अगर आपको जॉब नहीं भी चाहिए तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप वहां पर आएं, आप आने वाले समय में अपने बच्चों को या अपने भाइयों को अपने अड़ोस पड़ोस को आप अपनी जो आप वहाँ से सीखेंगे वो आप आने वाले लोगों को भी बता सकेंगे, वहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। तो मेरे आप तमाम गुलबर्गा शहरों से अदबन अदबन गुजारिश है कि एक बार वहाँ पे विजिट करें। ये गुलबर्गा यूथ फोरम की जानिब से रखा गया है। मैं तमाम गुलबर्गा यूथ के नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए दिन गुलबर्गा शहर के लिए ऐसे ऐसे स्टेप उठाते जा रहे हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कि नौजवानों के लिए एक अच्छा स्टेप गुलबर्गा के यूथ्स ने उठाया है, क्योंकि हमारे कई सारे नौजवान इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बीबीएम, एमबीए, तमाम कोर्स करके ये तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद भी वो लोग जॉब पर नहीं है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। इसी को देखते हुए नौजवानों की तरफ से गुलबर्गा के एक प्रोग्राम कल जब्बार फंक्शन हॉल में सुबह 11 बजे से शाम में 4 बजे तक अरेंज किया गया है। इस प्रोग्राम में गुलबर्गा के आईपीएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, गुलबर्गा के टीचर्स आ रहे हैं, तमाम अच्छे लोग आकर वहाँ पर ये टीचिंग के आपको गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से, उसके लिए आपको तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, इसको आपको डिग्री क्या चाहिए, आपको डिग्री आप नहीं पढ़े लिखे हुए हैं तो उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, उस ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी। तो मैं गुलबर्गा के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि कल का एक दिन और ये टाइम आपको देखते हुए ही रखे हैं कि संडे है, तमाम पेरेंट्स आ सकते हैं, इसमें कौन सी भी कास्ट के लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज हासिल करने वाली चीज़ है। क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर गांजे के नशे में जा रहे हैं, अफीम के नशे में जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए इसमें हमें सपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिला है। तो मैं ख़ासकर गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें हुसैन बादशाह साहब हैं, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब हैं और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम जब जिम की ओपनिंग कर रहे थे उसके बाद बादशाह साहब को गोल्ड मेडल मिले, सीएम गोल्ड मेडल मिला था, हम उनका इसी जगह प्रोग्राम कर रहे थे, उसके बाद एक महीने में फिर एक खुशखबरी आई कि उन्होंने एएसआई बने। तो ये लोगों को देखते हुए हमारे को सीखना है कि ये लोग एक कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल बने, उन्होंने एएसआई बने, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब भी छूटे हैं तो नौजवान इसे भी हासिल कर सकते हैं। ये लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहिए। तो मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस प्रोग्राम को एक अच्छा अनोखा एक सक्सेसफुल करें। इसके बाद भी हमें हिम्मत होती है कि फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी उठाना है हम और अच्छे से उठा सकते हैं अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। तो मैं नौजवानों से ख़ास कर गुजारिश कर रहा हूं कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर सक्सेसफुल करें। कल 21 फरवरी 2021 कल 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है डीसीपी कुशल बाबू सर के गाइडेंस पे, जो आने वाले अभी जो नोटिफिकेशन पुलिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, जो 545 पीएसआई के पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है, तो उसको कैसे क्रैक करें, कैसे स्टडी करें, कैसा फिज़िकल एग्जामिनेशन क्लियर करें
और साथ ही साथ उसके अलावा भी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, चाहे आपके टेंथ का हो या पीयूसी का हो या डिग्री का हो, उसमें भी एक तरीका, एक टेक्निक बताया जाएगा किस तरीके से हम लोग को अपने डे टू डे लाइफ के भी एग्ज़ाम्स क्लियर करना है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि कल 21 फरवरी 11 बजे जब्बार फंक्शन हॉल में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सभी जो यूथ्स हैं, जो डिग्री ग्रेजुएशन हुई है, जिसके भी जो इंटरेस्टेड हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स ये गवर्नमेंट के जॉब्स में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस इवेंट को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप अटेंड करें। और साथ ही साथ जो हमारे मेन स्पीकर हैं अंशु कुमार सर IPS, वाहिद कुलपाल सर PSI और रमेश जिट्टी सर जो फाउंडर ऑफ राज कोचिंग सेंटर के हैं, फिर गजानंद सर ब्रदर PSI और फखरुद्दीन सर जो इकोनॉमिक प्रोफेसर हैं और मेघा ब्रदर मैडम, जो इन सब ये जो है हमारे मेन स्पीकर होंगे।